सुरप्रिया और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि टिप्स टू अवॉइड स्लीप वाइल स्टडिंग। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब हमें पढ़ते वक्त नींद आ जाती है तो उसका क्या करें। पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज अवॉइड हैवी मील। जब आप ज़्यादा खाना खाओगे, हैवी मील्स लोगे, जब आप पिज्ज़ा खाओगे, बर्गर खाओगे या जंक फूड खाओगे या कोई भी हैवी मील लोगे तो आपको नींद तो डेफिनेटली आएगी। तो हमेशा लाइट फूड खाना चाहिए, तो अवॉइड हैवी मील। सेकेंड है, आपको हमेशा से जो भी थ्योरी सब्जेक्ट होते हैं उसको मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, जैसे इंग्लिश है, साइंस है, क्योंकि उस समय आप फ्रेश फील करते हो, तो मॉर्निंग सब्जेक्ट्स को आप सुबह पढ़िए। थर्ड पॉइंट है, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ्स है, अकाउंट्स है, तो इनको आप दोपहर में पढ़िए, क्योंकि इन सब्जेक्ट में ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है। तो जब आप ज़्यादा अटेंशन लगाओगे इन सब्जेक्ट में दोपहर में, तो आपको नींद भी नहीं आएगी, क्योंकि आपका पूरा अटेंशन इन सब्जेक्ट्स में है। तो इन सब्जेक्ट को जो प्रैक्टिकल होते हैं उसे दिन में पढ़ना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि हमेशा से आपको जब भी आप टायर्ड फील करते हो तो आप सो जाइए, नैप ले लीजिए, आधा घंटा आराम कर लीजिए। जैसे आप पढ़ते पढ़ते थक गए हो और आपको नींद जैसी आ रही है तो आप रेस्ट कर लीजिए, आधा घंटा कर सकते हो या एक घंटा, क्योंकि रेस्ट करने के बाद जब आप उठोगे, अपना फेस धोगे, मुंह धोकर आओगे और फिर पढ़ने बैठोगे तो आप एनर्जेटिक फील करोगे और फ्रेश फील करोगे। तो जब भी टायर्ड फील कर रहे हो पढ़ते पढ़ते तो रेस्ट कर लीजिए आधे घंटा या एक घंटे की। फिफ्थ चीज़ है कि रीड आउट अलाउड, मतलब जब भी हम पढ़ते हैं तो अपने मन में मत पढ़ा करो, तेज़ पढ़ा करो, उसे तेज़ से बोल कर पढ़ा करो, जिससे कि सही रहता है। और कोई भी चीज़ को क्रैम नहीं करना चाहिए, रटना नहीं चाहिए, आपको उस चीज़ को अपने दिमाग में फिक्स करना है, उस चीज़ को समझना है, ना कि रटना है। सिक्स्थ चीज़, गुड स्लीप। अगर आप एक अच्छी स्लीप लेते हो, 6 से 7 घंटे अगर आप सोते हो तो आप कभी भी फील, मतलब कभी भी टायर्ड फील नहीं करोगे। मेरी एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि जब जो बच्चे होते हैं जो प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ेगा जब आप प्रॉपर नींद नहीं लोगे। तो वो वीडियो भी कुछ दिनों बाद आई जाएगी, आप देख लेना। हम लोगों के यहाँ क्या, मतलब जैसे बच्चे जो क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम होता है तो दिन रात पढ़ते हैं, तो उसमें वो 6-7 घंटे की नींद नहीं ले पाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूर लो, ये बहुत ज़रूरी है। 7 चीज़ है कि आप नोट्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, जो भी आपकी टीचर ने लिखा है उसको नोट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, फ्लो चार्ट बनाइए अपने आप से, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम में। जब आप भी लिखोगे, कोई भी आंसर आप लिखते हो तो आपको बहुत ज़रूरी है, और फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाने के, जब आप एग्ज़ाम में फ्लो चार्ट्स बनाकर आओगे तो उसके भी आपको प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलते हैं, तो 1-2 या एक्स्ट्रा मार्क्स आपको ज़रूर मिलेगा। तो फ्लो चार्ट और नोट्स बना लीजिए। उसके बाद जब भी आप टायर्ड फील करते हो और आपको, मतलब जैसे कि पढ़ाई में आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, टायर्ड फील कर रहे हो, तो 1 या 2 कप चाय या कॉफ़ी आपको ज़रूर पीनी है। और एक दिन में आपको 1 और 2 कप कॉफ़ी या चाय ज़रूर पीनी है। इससे क्या होगा कि जब भी आप टायर्ड फील करते हो तो आप थोड़ा फ्रेश हो जाओगे, तो इसीलिए कॉफ़ी और चाय आप ज़रूर पीजिएगा। ग्रीन टी भी बहुत ज़रूरी होता है, ग्रीन टी पी सकते हो, अगर आप पी पाते हो तो पी लीजिएगा। देन नेक्स्ट थिंग इज़ कि मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग और वॉकिंग, ये तीनों चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन करना है, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है और एग्ज़ाम में भी आप कंसंट्रेट ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो, तो मेडिटेशन करना है। वॉकिंग, आप वॉक करने जा सकते हो जब भी आप बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी ऐसा बार होता है कि हम 5-6 घंटे पढ़ते हैं तो हम थक जाते हैं उसमें पढ़ते पढ़ते, तो आप घूमने जा सकते हो, बाहर का एनवायरनमेंट देख सकते हो, तो आपको अच्छा फील होगा, फिर आप आकर पढ़ लीजिए तो एनर्जेटिक होगा और फ्रेश हो गया आप, तो इसीलिए। और हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। नेक्स्ट चीज़ यही है कि मोटिवेट योरसेल्फ, रिमाइंड योर गोल और रिवॉर्ड योरसेल्फ, मतलब कि हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहिए। आपका जो भी गोल है, जैसे कि हम लोग गोल बनाते हैं कि हमें इतनी परसेंटेज लानी है, इतना हमें परसेंटेज लाना है एग्ज़ाम में पास होने के लिए, मुझे 95 लाने हैं, 80 लाने हैं, तो ये जो गोल होता है तो इसे हमेशा याद करिए। जब भी आप अपने गोल से
भटक जाते हो, तो हमेशा उसको ध्यान में रखना कि यार मेरी परसेंटेज इतनी है, मुझे इतना लाना है। तो रिमाइंड योर गोल और अपने टेस्ट खुद ही लो, अपने आप को खुद ही मार्क्स दो। तो रिवॉर्ड योर सेल्फ, मतलब कि खुद का टेस्ट लिया और फिर खुद ही मार्क्स दे दिए। तो ये चीज़ें आप करिए। और ये वीडियो इधर ही ख़त्म होती है। होप यू लाइक इट। और ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन।